बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तहरीर में या वदूदों का वजीफ़ा तहरीर किया जा रहा है। ये अल्लाह ताला के सफाती नामों में से एक नाम है। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाने के बाद इसकी आसानी के लिए बेशुमार चीज़ें मरतब की हैं। इन चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह ने अपना ज़िक्र अनायत किया है। जो शख्स अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र करता है और मौला की ज़ात से डर कर रहता है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता और इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाया करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का सफाती नाम है और इस वजीफ़ा को करने का एक ख़ास तरीका है, वो भी नीचे दर्ज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बताते चलें कि या वदूदों का मतलब क्या है। या वदूदों का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला है। या वदूदों का आपने विर्द कुछ इस तरह से करना है। यूं तो जितने भी अस्माउल हसना हैं वो अपने अंदर मतालिब और हाजात के मुताबिक एक दूसरे से एक वसी समंदर की तरह हैं, एक और इन्हें अपनी हाजात के मुताबिक बतौर वजीफ़ा विर्द किया जा सकता है। मगर हम खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आम इजाज़त के साथ इसमें पाक या वदूदों के चंद मुजर्रब अमाल आपको बताने जा रहे हैं, जो आप अपनी हाजत के मुताबिक पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, मायूस नहीं होंगे। सबसे पहला अमल या वदूदो मियां बीवी की मोहब्बत के लिए बतौर ख़ास अक्सीर का दर्जा रखता है। अगर मियां बीवी में नाचाकी रहती है या दोनों में से कोई एक अदम मोहब्बत और बेतवज्जी का शिकार रहता हो, तो बीवी शोर के लिए या शोर बीवी के लिए जैसे भी ज़रूरत हो, बाद नमाज फजर 1000 मरतबा या वदूदो और अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद पाक के साथ या वदूद पढ़कर किसी भी मीठी पर या मीठी चीज़ पर दम करे और 11 दिन तक बिला नागा दूसरे को खिलाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर ऐसी मोहब्बत कायम होगी कि एक दूसरे के बगैर रह ना सकेंगे। और नंबर दो, अगर किसी के दोस्त अहबाब या कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया हो और बोलना चलना हत्ता के घर आना जाना भी छोड़ गया हो, तो फजर या इशा की नमाज के बाद जहन में इसका तसव्वुर जमा कर पहले 11 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर 200 बार या वदूदों पढ़ने के बाद आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर इस तरह तसव्वुर में इसके चेहरे पर दम कर दें। हुसूल मकसद के लिए रोज़ाना बिला नगा जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नाराज़गी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह वो बंदा ख़ुद आपसे रब्ता करेगा। ये अमल दफ्तर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भी अपनी कोलीग्स और बॉस के लिए कर सकते हैं। अगर इनका रवैया इनके साथ नामनासिब हो, यहाँ ये ख्याल रहे कि ये अल्लाह पाक का इस्म है, इसलिए नाजायज़ या हराम रिश्ते के लिए हरगिज़ इजाज़त ना होगी। ऐसा करने वाला अपने नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। नीयत का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, लिहाजा जायज़ तरीके पर और दिल में मुकम्मल एतक़ाद रख कर करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।